नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आप सभी का मेरा चैनल रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स अभी ये सुबह का टाइम है मैं पानी भर रही हूँ और हम बोरिंग से पानी लेकर के आते हैं मैं हर वीडियो में बताती हूँ तो उसमें हम पाइप जोड़ दिए हैं तो फिर मैं यहाँ बंद करने आई हुई हूँ भर गया तो हम लोग ऐसे ही ले जाते हैं पानी पाइप बिछा देते हैं फिर भर लेते हैं जितना भरना होता है फिर पाइप उठा लेते हैं तो इस तरह से हम कम टाइम में भर लेते हैं और थोड़ा सामने ही इसलिए हमारा बन जाता है और यहाँ पर देखिए रोहनी पूजा कर रही है सुबह सुबह में और मेरा सब्जी देखिए मेरा पानी उनी भरने के बाद बर्तन झाड़ू करने के बाद मेरा सब्जी उब्जी बन रहा है देखिए तो सब्जी में है अजबोदी आलू की भुजिया और दाल और खाना उना खाने के बाद जितने भी बर्तन थे सभी को धो ली हूँ उसके बाद में कपड़े धोने आई हुई हूँ तो कपड़े भी धोना ज़रूरी हो जाता है रोज़ दिन और बच्चे खेल रहे हैं खाना वाना खा लिए हैं और ये लोग मस्ती कर रहे हैं बाहर और गांव के बच्चे भी आ जाते हैं बगल के तो सभी मिल कर के खेल रहे हैं लोग और मैं काम कर रही हूँ उसके बाद मेरा ये धूल आ गया है कपड़े और मैं जा रही हूँ इसको सुखाने के लिए और अभी बारिश भी होने जैसा हुआ है मैं जैसे ही कपड़े को इसमें इसमें टांगती हूँ वैसे ही बारिश होना शुरू हो जाता है और बारिश में बच्चे बहुत ही खुशी से खेलते हैं और मैं सोची कि अभी बारिश नहीं होगा लेकिन अचानक से बारिश बारिश वाला मौसम हो गया और बारिश आना शुरू हो गया फिर क्या करें अब धोए हैं तो यहीं पर घटना पड़ेगा तो देखिए मैं सभी को पसार ली हूँ और रोहनी रोशनी और रोहन को देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं बारिश में और इस टाइम बारिश बहुत ही बड़ा बड़ा बूंदा में गिराना शुरू कर दिया है और हम झटपट घर आ गए उसके बाद ऐसे ही रहने से अच्छा मैं घर में चावल था और वह चावल उसको मैं पटक करके रख देती हूँ उसमें भूसा था तो भूसा को मैं अलग कर दी और उसके बाद सभी को पटक करके रख देती हूँ और आज बच्चे बोल रहे थे सभी बच्चे कि माँ आज कुछ बना दो अरवा चावल का तो मैं सोची कि ठीक है आज कर रहे हैं बच्चे लोग तो बना ही देते हैं तो हम आज खाना में बनाए हैं अपना एकदम देसी स्टाइल में इडली तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में लास्ट तक और देखिए देसी स्टाइल में हम कैसे बनाए हैं इडली तो हम तो बार बार इस तरह का चीज़ खाते नहीं हैं कभी कभार खाते हैं तो आज बन रहा है और थोड़ा सा ही बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं जितना भी मतलब इसको थोड़ा थोड़ा खाते हैं और खाना ही सबसे ज़्यादा खाते हैं तो हम इतना फटके थे और थोड़ा सा ही मैं फुलाई थी एक गिलास से कम लगभग और थोड़ा सा सूजी था तो सभी को मिला करके हम बना देते हैं तो देखिए थोड़ा सा ही फुलाई हूँ मैं और जो था बच्चा उसको हम रख देते हैं कभी कभी पूजा करने के लिए यूज हो जाता है चावल इसलिए हम बचा करके रखते हैं और ये देखिए थोड़ा सा सूजी था उसको भी मैं फुलाती हूँ और साथ में मिला करके पीस दूँगी और उसके बाद इटली बना देंगे शाम को तो मुझे ये सब पहले ही करना था क्योंकि एक मतलब थोड़ा सा बासी करके बनाने से अच्छा फूलता है लेकिन मेरा तो टाइम ही नहीं मिला और उस टाइम सोचे नहीं थे कि हम बनाएंगे अब बच्चे बोल दिए तो मुझे करना ही पड़ा तो इसलिए मैं रोका तो मतलब जब बोले उसी टाइम में करना शुरू कर दी और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं बगल में रोहनी रोशनी भी है अभी बारिश हो रहा था इस टाइम और रोहन सो करके उठा हुआ है लेकिन ये परेशान नहीं करता है यही आदत अच्छा लगता है जब भी ये उठता है सो करके तो वो खेलते ही उठता है और बोल रहा था कि मैं अभी नहीं हटूंगा मैं हटा रही थी यहाँ पर झाड़ू करूंगा बेटा उठ जा बोल रहा था नहीं हटूंगा मैं और जब हटाई तो बोल रहा है कि थैला भी दो मुझे तो मैं थैला भी दे देती हूँ और अभी मैं झाड़ू कर दूँगी यहाँ पर और थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है यहाँ पर भूसा मैं फटकी तो थोड़ा इधर उधर हो कर के ये हो गया है तो मैं यहाँ पर लिपाई भी करूँगी थोड़ी सी तो मेरे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए हमारा आज मैंने बनाया है इडली खाना तो प्लीज आप लोग भी बने रहिए और यहाँ पर देखिए ये पौधे ये पौधा को भी मैं देखती रहती हूँ अच्छा लगता है हमको सुबह शाम में देखती रहती हूँ अभी तो बारिश होता है इसलिए पानी नहीं देते हैं इसमें पानी रहता ही है इसलिए तो देखिए ये करेला का पौधा है कितना अच्छा है और मिर्चा है टमाटर है कितने अच्छे हैं यहाँ पर मिर्चा ढेर सारा था लेकिन वो अभी टूट गए हैं और देखिए बारिश कैसे हो रहा है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था इस टाइम और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा ये जगह रख दिए डिब्बा तो पानी पार नहीं हो रहा था तो उसको हम एक डंडे के सहारे उसको हम हटा देती हूँ फिर पानी अच्छे से जाता है उधर तो देखिए कैसे बारिश हो रहा था और ये कचड़ा वाला डिब्बा है इसमें हम भर देते हैं तो लोग ले जाते हैं दूसरे को ले जाते हैं इसको तो अभी बारिश हो रहा था बच्चे कितने खुश हो रहे थे इस टाइम देखिए और ये चप्पल है मैं बाज़ार गई हुई थी ख़रीदने के लिए तो मैं दिखाई नहीं आप लोगों को तो आज दिखाती हूँ देखिए ये चप्पल को मैं ख़रीदी हूँ अपने लिए तो अच्छा लगा मेरे लिए ए, मतलब बहुत ही अच्छा बना हुआ है देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और थोड़ा मैं बड़ा साइज़ ली हुई हूँ रोन के पापा भी बोल रहे थे कि बड़ा क्यों ली है तो मैं बोलती हूँ कि तुम भी पहन लेना कभी कभी और यहाँ पर देखिए मैं चूल्हे को लिपाई कर रही हूँ अभी मेरा चावल फूलते फूलते कुछ टाइम लग जाएंगे तब तक मैं चूल्हा वुल्हा तैयार करके रखती हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा चूल्हा लिपा गया है बस अभी इसको लिप करके मुझे उसको पीसना है इसमें कोयला भी जला दूँगी पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा लिप देती हूँ क्योंकि यहाँ पर भूसा गिर गया था तो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद हो गया था तो ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा लिपाई भी कर देती हूँ और बच्चे बहुत हला कर रहे हैं हमारे यहाँ तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा आप कितना भी कहते हैं फिर भी हला कर ही देते हैं तो देखिए मैं लिपाई भी कर रही हूँ मिट्टी और गोबर के साथ में और मैं हमेशा मिट्टी और गोबर ही लिपाई करती हूँ मुझे अच्छा लगता है लिपाई करते हुए तो अच्छा भी लग रहा है आज मैं कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ और अभी देखिए अभी हम इसको अच्छे से हाथ के निशान बनाते हैं देखिए हाथ उंगली का निशान और उन्होंने यहाँ पर चप्पल मांग रहा था नया चप्पल मैं भी पहनूंगा दीजिए बोल रहा था तो मैं लो तब कर करके दे दी थी वो पहनता है फिर खेलता भी है देखिए इतना खुश भी होता है वाह नया चप्पल बोल रहा था और बहुत खुश था तो हम बोलते पहनो बेटा पहनो फिर वो पहन लेता है लेकिन वो चलने ले नहीं सकता है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पैर हो जा बड़ा चप्पल हो जाता है उसका पैर छोटा हो जाता है तो देखिए वो पहन लिया है लेकिन चल नहीं पा रहा है तो मेरा इससे बातें करते करते मेरा काम भी हो जाता है और बच्चे लोग घर में होते हैं ना थकान दूर हो जाता है कोई भी काम करो तो कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि बच्चे लोग से बात करते करते टाइम निकल जाता है और कुछ पता नहीं चलता है अपना काम होते रहता है तो यहाँ पर मैं अच्छे से लिपाई कर दूँगी बारिश तो हो रही है फिर भी लिपाई करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैठते हैं खाना वाना खाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा भूसा के कारण सफ़ेद हो गया था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा लिपाई कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं चावल धो देती हूँ और इसको पीसेंगे भी क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है तो जल्दी हमको उसारना पड़ता है जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो यहाँ पर मैं अभी इसको धो दूँगी एक दो पानी और ऐसे साफ़ ही था बस भूसा उड़ आए थे ना उसका जो भूसा का होता है वही निकालना था और उसके बाद मैं धो दी हूँ और यहाँ पर ये इटली का साँचे को धो रही हूँ तो ये बहुत दिनों के बाद निकालती हूँ मैं क्योंकि जल्दी जल्दी जल नहीं बनाते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें कचड़ा लग जाते हैं तो उसको हम अच्छे से छुड़ा करके धो लिए हैं और अभी मैं इसको धो करके चलूँगी घर और दिखाती हूँ आप लोगों को हम उसको पीसेंगे तो पहले इसको खंगार लेती हूँ इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा खाते नहीं हम लोग बनाते नहीं हैं कुछ चीज़ टाइम ही नहीं मिलता हमारा काम ऐसा है ना घर भी देखना होटल भी देखना हो जाता है इसके वजह से जल्दी टाइम नहीं मिलता है तो बना नहीं पाते और खाते भी नहीं हैं बच्चे लोग ज़्यादा तो हमारा ये धोआ गया है चावल भी धुला गया और बर्तन भी उसके बाद में यहाँ पर चूल्हे को सलगा देती हूँ इसमें मैं खाना चढ़ा दूँगी और गैस में इडली को चढ़ा दूँगी तो चूल्हा भी चलाना ज़रूरी हो जाता है तो इसमें हम लकड़ी डाल रहे हैं चूल्हा सूख गया है और बारिश तो हुआ था अभी अभी छोड़ दिया है बारिश भी तो इस टाइम अभी मैं लकड़ी और कोयला डाल देती हूँ इसमें चूल्हा सलगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर इसको पीसने के लिए चावल को क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं रहते हैं लाइट बारिश हो जाता है तो बहुत ही कम रहते हैं तो अभी आया है लाइट इसलिए मैं जल्दी से इसको हम पीस लेते हैं उसके बाद आराम से अपना काम करते रहेंगे तो सूजी को और आलू सॉरी सूजी और चावल को दोनों को मिला करके हम पीस देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे और सभी को पीस देंगे तो अभी देखिए दोनों को हम मिक्स कर लिए हैं थोड़ा सा ही है ज़्यादा नहीं है इतने ही में हम लोगों को हो जाता है छोटा छोटा साइज का ही हम इडली बनाते हैं तो इसको हम पीस देते हैं अभी देखिए जार में डाल दिए हैं उसके बाद और अभी बच्चे खेल रहे हैं बाहर ओ अरे बोल रहे कि जल्दी मम्मी बनाना जल्दी इटली बनाना तो हम बोल रहे कि ठीक है बेटा जल्दी बना देंगे तो यहाँ पर देखिए एक जार हो गया हमारा इतना में ही हो जाता है सभी के लिए एक तो दो दो पीस खा लेते हैं सभी कोई तो देखिए हम अभी इसको यहाँ पर डाल देते हैं और इसमें नमक डाल देंगे कुछ देर तक ढक करके छोड़ देंगे तो रोहिणी बहुत खुश है इस टाइम बोल रही थी कि जल्दी पकाना हमको जल्दी खाना है तो देखिए हम इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा सा इस तरह से और कुछ नहीं डालेंगे बस नमक डालेंगे और इसको चला करके ढक के रख देंगे तो बहुत ही टेस्टी बना था अच्छा लगा था फूला नहीं था क्योंकि मैं जल्दी से बना कर इसको पीस करके जल्दी ही पका दी थी थोड़ा देर ही छोड़ दी थी तो अच्छा था लेकिन ये रेस्ट नहीं हो पाया था इसलिए वो फूल नहीं पाया लेकिन अच्छा लगा था हम लोग गरम गरम खाए हुए थे सभी को और खाना भी खाए थे तो हमारा पिसा गया है और उसमें हम नमक डाल के छोड़ दिए हैं कुछ देरी तक और इसमें हम डालेंगे पानी एक लोटा जैसा और इसको चढ़ा देंगे गैस में और बाहर खाना बन रहा है चूल्हा में तो खाना और इटली दोनों हो जाता है हमारा रात में तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा पानी डाले हुए हैं इसको चढ़ा देंगे गैस में गर्म होने के लिए और तब तक हम यहाँ पर तेल डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो हमारा ये छोटा मतलब छोटा छोटा साइज का हम डालते हैं जितना अपना मनपसंद बना सकते हैं आप लोग भी और मैं तो छोटा छोटा ही बनाती हूँ और यहाँ पर हम सभी में तेल में कर देंगे तेल तेल सभी में हम डाल देंगे फिर देखिए हम कलछुर के सहारे थोड़ा थोड़ा करके सभी में डाल देंगे और देखिए हम थोड़ा सा ही डाले हैं क्योंकि इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहिए तो देख सकते हैं आप लोग भी हम सभी में डाल दिए हैं उसके बाद हम इसको डाल देंगे अभी उसमें इडली का साँचे में इस तरह का बनाना कभी कभी बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर हम डाल देते हैं अभी गर्म हो गया है पानी तो हम सभी को डाल देंगे तीनों साँचा है ना उसको और ये रात का टाइम ही हो गया है तो इसको बनने तक सभी को आ जाएंगे सभी इकट्ठा हो जाएंगे फिर खाना उना बनाने के लिए मतलब खाना निकालेंगे सभी के लिए तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर बन के तैयार है मैं चेक कर रही थी कि ये बन पका है या नहीं तो ये कल्चर को पकड़ रहा है चम्मच या कुछ चाकू वगैरह से आप चेक कर सकते हैं जब पकड़ेगा चाकू या चम्मच को तो समझ जाइए कि ये नहीं पका है तो नहीं पका था तब कुछ देरी के बाद पक गया था तो मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये अलग मतलब बहुत आराम आराम से निकल रहा था हम तेल थोड़ा ज़्यादा ही दे दिए थे तो तेल भी दिख रहा है तो दोबारा इसमें हम डालेंगे तो और तेल नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल हम डाल चुके थे पहले ही तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कमेंट में बताइए कैसा लगा